नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। प्यार अंधा होता है, प्यार में प्रेमी को कुछ नहीं सूझता, उसे बस अपने प्रेमी से मिलने की तमन्ना रहती है। इसी तरह की तमन्ना लिए झांसी की एक नाबालिग लड़की बस में बैठकर दतिया अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। उसे इस बात का पता नहीं था कि यहां लॉकडाउन चल रहा है और पुलिस के सख्त पहरा होगा। जैसे ही लड़की राजगढ़ चौराहे से गुजरी तो पुलिसकर्मियों ने उसे रोक कर पूछताछ की। उसने बताया कि वो दतिया में किसी विक्की कुशवाहा से प्यार करती है और शादी करने के लिए घर से झांसी से भागकर आई है। लड़की के बताए अनुसार पुलिस ने जब उसके कथित प्रेमी को फोन लगाया तो उसने बताया कि वो नहीं आएगा। वहीं मामला संदिग्ध होने और लड़की नाबालिग होने पर तत्काल निर्भया मोबाइल को बुलाया गया और लड़की को पुलिस कस्टडी में लेकर कोतवाली लाया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी मां नहीं है और पिता है, उन्होंने घर में बांध कर रखा था। किसी तरह से वो घर से भागी है शादी के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्रेमी से मिल पाती पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लड़की जो है झांसी से आई है, क्या है सर पूरा मामला सर बताएं सर। यहाँ लॉकडाउन का पालन करा रहे थे तो चेकिंग के दौरान हमें एक लड़की अकेली आती हुई मिली। हमें थोड़ा संदेह हुआ, उससे हमने पूछताछ की तो झांसी का उसने होना बताया और ठीक से मतलब जानकारी नहीं दे रही थी माँ बाप की। वो यहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई थी, वो विक्की कुशवाहा नाम बताया उसने। उससे हमने मोबाइल में बात करी तो पता चला कि उसने शादी का प्रलोभन दे के उसको बुलाया है और अभी हमने इसको कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है और बाकी जो होगा वो डिटेल थाने से।